क्या आपके पास भी इस तरह की स्मार्ट अल्ट्रा वॉच है, तो उसको आप अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसका कैमरा कैसे यूज कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने वॉच में यहाँ पर एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पर इस तरह के कर देना। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खोल कर आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का गूगल वाला, तो उस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर लेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। उसको आपको इस क्यूआर कोड को आपको इस तरह से स्कैन कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर हम स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो क्यूआर कोड है वो हमने स्कैन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम ओके वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर गूगल वाला ऑप्शन है उस पर आपको चले जाना है और यहाँ पर हमें इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको परमिशन देने होंगे, तो यहाँ पर आए अग्री वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है। सारी परमिशन देने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लुकिंग डिवाइस फोन आपको यहाँ पर आपका सर्च आ जाएगा। तो ये हमारा जो सिग्नल है वो हमारे वॉच का आ चुका है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बैग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वॉच में यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो अभी के टाइम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू आपको ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो अपने वॉच के थ्रू आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हम कैमरे को कंट्रोल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली से यहाँ पर आपको जो कैमरा वाला ऑप्शन है उस पर आपको चले जाना है। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको अपने वॉच के जो एप्लीकेशन है उस पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको परमिशन देकर यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं, तो वरना आप ही बोलोगे भाई कि ये आपने झूठ किया है, आपने एडिट किया है वीडियो। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने ये वाला जो हमारा मोबाइल है उसको हमें इस तरह से रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें बात करें तो हमारे वॉच में तो इस तरह का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम स्टार्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वॉच हमारे मोबाइल में यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से पड़ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप यहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो रिमोटली हमारा यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इस तरह से आप कैमरे को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको कैमरे को यूज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय और जय हिंद।